करीब 3.5 साल पहले किया ने सोनेट को बाजार में पहली बार पेश किया था। काफी कामयाब रही है ये कार कंपनी के लिए। इन 3.5 सालों में करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा इसके यूनिट्स बिक चुके हैं, यानी औसतन हर साल करीब 1 लाख यूनिट्स बिकते हैं सोनेट के। तो एक टफ सेगमेंट में भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस कार ने, और अब आ गया है एक फेसलिफ्ट मॉडल बाजार में जिसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें डिजाइन की बात करें या फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तकनीक की बात करें, सब कुछ अब बदल गया है। आज हम चला रहे हैं कार को, भोपाल में आए हैं हम इसको चलाने के लिए, और हमारे साथ हैं कार के दोनों टॉप वेरियंट्स। एक है ये एक्स लाइन, दूसरा है ये GT लाइन। GT लाइन में है डीजल इंजन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, एक्स लाइन में है पेट्रोल इंजन DCT गियर बॉक्स के साथ। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास चलाने के लिए, आपको सब बताएंगे इस कार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा मैंने बोला, बहुत कुछ बदल गया है सोनेट में। शुरुआत करते हैं चेहरे के साथ, सब कुछ नया है यहाँ पे। तो आप देखते हैं इनकी लैंप्स को बिल्कुल बदल गई हैं। ये स्टार मैप LED DRLs हैं, काफ़ी बड़ी हैं इस कार की साइज को देखते हुए। और फिर एक क्राउन जुअल हेडलैम्प्स भी कार में बदल दी गई हैं। साथ ही जो टाइगर नोज ग्रिल, काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है कि कार्स में, उसमें भी बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी एक आपको डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा पहले वाले मॉडल के मुकाबले। कंपेयर करते हैं इसको अगर हम GT लाइन से, तो आपको यहाँ मिलेगा ज़्यादा पियानो ब्लैक का इस्तेमाल, और यहाँ देखें तो आपको एक ग्रे कलर का इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा। तो एक डिफ्रेंसिएशन करने की कोशिश करी है किया ने बिटवीन द एक्स लाइन एंड द GT लाइन। इसके अलावा आप देखें, एक अहम बदलाव यह है कि कार में जो ये फॉग लैम्प्स हैं ये बदल गई हैं। पहले आपको आइस क्यूब शेप मिलती थी जो वर्टिकल स्टैक थी, ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल स्लीक हेडलैम्प्स हैं। इसमें भी आपको DRL मिल जाती हैं, डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। टॉप वेरिएंट में आपको यही वाला शेप मिलेगा। फिर हम आते हैं कार के साइड में, अहम बदलाव ये कि अब सोनेट के अलॉयज बदल गए हैं पहले के मुकाबले, और इससे आपको कार पहचानने में आसानी से आ जाएगी, वो एक अच्छी बात है। और फिर हम आते हैं पीछे की तरफ, यहाँ आपको कुछ कुछ नई सोनेट की याद दिलाएगी ये कार। आपको ये बढ़िया कनेक्टिंग टेल लैम्प मिल जाती है, ये भी स्टार मैप पैटर्न है। तो ये जो डिज़ाइन है टेल लैम्प्स का, ये बदल दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस कार पर इतना कर दिया गया है कि अगर आप इसको पिछले मॉडल से कंपेयर करें तो आप इसको आसानी से पहचान जाएंगे कि ये सोनेट का फेसलिफ्ट है। अगर आपको लगता है कि किया सोनेट हमेशा से एक फीचर लोडेड कार थी, तो अब तो इसमें फीचर्स पहले से भी ज़्यादा हो गए हैं। काफ़ी कुछ कंपनी ने ऐड कर दिया है। इसमें इंक्लूड है एक बिल्कुल नया फुल डिजिटल क्लस्टर, पहले ये मामला नहीं था, हमने कई और कार्स में सेगमेंट में देखा है, लेकिन सोनेट में भी अब दे दिया गया है। पहले आपको एक एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता था, अब आपको फुल डिजिटल मिल गया है। और अच्छी बात है कि जब ड्राइव मोड्स वगैरह आपने चेंज करते हैं या आपने ट्रैक्शन मोड्स चेंज करते हैं, तो उसकी जो लुक है, कलर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं, एक अच्छी बात है। और एक और बात यह है कि इसमें जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एज अ ड्राइवर, वो भी बहुत सारी मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की बात करें या फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, या बहुत सारी चीज़ें, जो फीचर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ कंपनी दे देती है इस स्क्रीन के ऊपर। यही बात स्टीयरिंग व्हील के बारे में भी कह सकते हैं, बहुत सारे बटन हैं इसमें। अब ADAS की भी एडिशन हो गया है, तो उसका बटन भी दिया गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आते हैं इसकी टच स्क्रीन सिस्टम पे। पहले ऐसा ही है 10.25 इंच का, लेकिन छोटे मोटे बदलाव इसमें किए गए हैं, थोड़ा और ज़्यादा कलरफुल बनाया गया है, और इसको थोड़े छोटे से और फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, तो आपको हेल्प करेगा इसको और इस्तेमाल करने में। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार पे तो आपको मिल ही रहा है इसमें, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी अब कार के अंदर दे दिया गया है। कुछ और फीचर्स की बात करें, बोस का सराउंड साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिल जाता है, फिर आपको फ्रंट सीट्स पे वेंटिलेशन मिल जाता है दोनों सीट्स के ऊपर, और आपको एक सनरूफ भी सोनेट में मिलता ही है पहले की तरह। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट। जी आपने सही सुना, सेगमेंट में पहली बार किसी कार में आपको मिलती है इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट। आप चार तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आगे पीछे स्लाइड करना है या रिक्लाइन करना है आगे पीछे, वो आप इलेक्ट्रिक कर सकते हैं। हाँ, सीट की हाइट कम और ज़्यादा करने के लिए आपको मैनुअली ही ये काम करना होगा। अच्छी बात यह है कि अब कंपनी ने इसमें कनेक्टेड फीचर्स की लिस्ट को बढ़ा दिया है, तो आप कई वॉइस कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं जो इंग्लिश में भी होती हैं। तो अब इस कार से आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। आपको एक इसका सैंपल दिखाता हूं मैं। सनरूफ खोलो, सनरूफ खोल गया। आपको टेम्परेचर सेट करना है, आपको विंडोज अप एंड डाउन करनी है, सारी चीज़ें आप कार को इंग्लिश में वॉइस कमांड्स दे के कर सकते हैं। तो यूजेबिलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में सोनेट अब पहले से भी बेहतर हो गई है। यह सोनेट की सेकेंड और सब 4 मीटर सेगमेंट है, सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट, और बहुत ज़्यादा स्पेस की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। हालांकि किया ने छोटी छोटी चीज़ें करी हैं, कोशिश करी है कि आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ मिल सके। इसमें एक ये है कि इस जो मेरी आगे वाली सीट है फ्रंट रो की, इसके डिज़ाइन में चेंज किए गए हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। इसको एक कर्व लुक डिज़ाइन दिया गया है। स्टोरेज ऑप्शंस बढ़ गए हैं, यहाँ पे आपको एक सेपरेट पाउच मिलता है पैसेंजर सीट के पीछे, एक अच्छी बात है। इसके अलावा किया का दावा है कि अनथर सपोर्ट भी पहले से बेटर हो गया है। हालांकि सीट रिक्लाइन नहीं होती है, अगर होती तो और भी बेहतर होता।
सिर्फ दो पैसेंजर्स के लिए ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच वाले के लिए मिसिंग है। हालांकि सीट बेल्ट 3 पॉइंट तीनों के लिए है और तीनों के लिए ही सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक अच्छा एडिशन है कार में, आपको यहाँ सनब्लाइंड मिल जाते हैं। सेकेंड रो में आप देख सकते हैं कि आपको दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं, यहाँ अमरेस तो है ही, और हाँ एक एयर प्योरीफायर भी है जो कार के सभी ऑक्यूपेंट्स की मदद करता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि किया सोनेट में पहले से भी ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, 70 से ज़्यादा फीचर्स हो गए हैं, और उसमें से कुछ खास फीचर्स इसके रिमोट कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं। तो एक ऐप के जरिए बहुत सारी चीज़ें कार में कर सकते हैं, चाहे इंजन स्टार्ट करना हो, विंडोज़ रोल डाउन करनी हो, अपने क्लाइमेट की सेटिंग्स बदलनी हो, और अब आप इसमें एयर प्योरीफायर को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं ऐप के जरिए ही। तो आपको थोड़ा सा एक सैम्पल दिखाते हैं इसका। ये मैंने ऐप खोली किया कनेक्ट, और बस मैंने स्टार्ट इंजन का बटन दबा दिया अपना पिन डाल के, और अब ये ऐप प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कुछ सेकंड में आप देखेंगे कार की लाइट्स ऑन होंगी और उसके बाद कार का इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत हो गई है हमारी किया सोनेट के फेसलिफ्ट के ड्राइव की, और हमने शुरू किया है डीजल ऑटोमेटिक के साथ जो जीटी लाइन में है। तो दूसरा है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक्स लाइन में पेट्रोल डीसीटी मॉडल है। तो जो इंजन ऑप्शंस हैं वो पहले की तरह ही हैं। सोनेट में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल मिलता है, साथ में 1 लीटर का टर्बो मिलता है, और ये सबसे बड़ा इंजन है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। और इसी में आपको 3 गेयरबॉक्स ऑप्शन मिलेंगे, बाकी दोनों में आपको इतने सारे गेयरबॉक्स ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे मैं चला रहा हूँ भी ऑटोमेटिक वो भी मिल जाता है, IMT भी मिल जाता है, और मैनुअल भी मिल जाता है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है चुनने के लिए। क्या चुन सकते हैं? आपने सही सुना, मैनुअल भी आ गया है, बीच में सोनेट में नहीं था, उसकी वापसी हुई है। तो अब आप तीनों में चुन सकते हैं, मैनुअल, IMT और ऑटोमेटिक इस डीजल में। और अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल चुनते हैं तो सबसे सस्ता मॉडल है कार का, वहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअल गेयरबॉक्स ही मिलेगा, वहाँ कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है। हालांकि वहाँ कंपनी का CVT दे सकती थी, लेकिन डिसाइड किया कि नहीं देना है। एक अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपको पैडल शिफ्ट दिए गए हैं, तो डीजल और टर्बो दोनों में आपको पैडल शिफ्ट मिल जाते हैं, तो आपके गियर बदलने और ज़्यादा थोड़े स्पोर्टी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, अच्छी बात है। और साथ में ड्राइव मोड्स भी हैं, ट्रैक्शन मोड्स भी हैं, तो आप चेंज करिए बटन दबा के, इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है। अच्छी बात है कि क्लस्टर पर लुक भी चेंज हो जाता है, और साथ में अगर हालांकि ऑफ रोडिंग तो कार नहीं कर पाएगी, लेकिन ट्रैक्शन लेवल्स हैं, तो स्नो, मड, सैंड, थोड़ी सी अगर लूज सरफेस मिल जाए, थोड़ा मट्टी ज़्यादा मिल जाए, तो इनका इस्तेमाल करके आप गाड़ी को उसमें से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। बात करते हैं माइलेज की, बहुत ही अहम हो जाता है। और अभी तक हालांकि डीजल मैनुअल का माइलेज हमें कंपनी ने नहीं बताया है जो नया लॉन्च हुआ है, लेकिन जो बाकी सब है उसमें आपको बढ़िया माइलेज का वादा किया गया है। 18 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर आपको मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी इंजन या कोई भी गेयरबॉक्स चुने। सबसे ज्यादा जो है 22 किलोमीटर के आसपास वो आपको मिलता है डीजल के IMT में। ऑटोमेटिक में थोड़ा कम है, करीब 18-18.5 के आसपास है, लेकिन जैसा मैंने कहा कम से कम 18 आपको हर इंजन और गेयरबॉक्स के साथ यहाँ मिल जाएगा। चलाने के मामले में हमेशा शानदार कार रही है सोनेट। एक बढ़िया व्यू मिलता है रोड का आपको, एक ऊंची सीटिंग है वो एक अच्छी बात है, और जो राइड क्वालिटी है वो भी बढ़िया रहती है, तो कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, वही चीज पहले की तरह बरकरार है। डायमेंशंस बहुत बड़े नहीं है, बहुत बड़ी कार नहीं है, तो हैंडलिंग भी अच्छी है, वो उसमें हेल्प करते हैं इसके डायमेंशंस। तो कुल मिला के राइड की बात करें या हैंडलिंग की बात करें, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देती है सोनेट, पहले की तरह ही है। हालांकि किया का ये दावा है कि इस फेसलिफ्ट में उन्होंने इस तरह से काम किया है कि जो पिकअप पे जो आपका शोर कैबिन के अंदर आता था वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। तो अगर आप एक्सेशन देते हैं, तेज एक्सेशन करते हैं, और अभी मैं जो डीजल चला रहा हूँ उसमें मुझे इस चीज़ का एहसास हो भी रहा है कि जो शांत आप एक सवारी एक्सपेक्ट करते हैं जो आमतौर पर डीजल में नहीं मिलती है, वो यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, तो वो एक अच्छी बात है। तो एक रिफाइंड फील आपको इंजन के साथ भी आ जाता है, और साथ ही बढ़िया टॉर्क भी मिल जाता है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन है डीजल इंजन इस किया सोनेट के फेसलिफ्ट में। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कई सारे दिए गए हैं किया सोनेट में। अब हर वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, जो कि एक शानदार बात है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए पिछली रो पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, एक अच्छी बात है। और साथ ही सोनेट में आपको अब वेरिएंट के हिसाब से 4 पहियों में डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे, वो भी एक बढ़िया चीज़ है। 360 व्यू कैमरा कार में दे दिया गया है, Level 1 ADAS की पेशकश कर दी गई है, तो आपको बहुत सारे फीचर्स वहाँ मिल जाते हैं। तो फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं, स्पेशली आप तेज़ रफ्तार पे हाईवे में चल रहे होते हैं, बहुत काम आती हैं। तो अभी भी जब मैं भोपाल के बाहर हाईवे पे चला रहा हूं, तो ये कार मुझे बता रही है कि मैं इस लेन में चल रहा हूं, इस लेन को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, अनलेस मैं इंडिकेटर दूं, तभी मैं लेन को सेफली चेंज कर पाऊंगा। और एक और अच्छी बात है कि सेफली लेन चेंज करने के लिए आपको यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दे दिया गया है। हमने बड़ी गाड़ियों में देखा है, लेकिन अब यहाँ
सोनेट में भी इसकी पेशकश की गई है। तो आप इंडिकेटर ऑन करिए लेफ्ट का या राइट का, बाहर कैमरे लगे हैं, उसकी मदद से आपके डिजिटल क्लस्टर पे बाहर की कैमरा फीड आ जाती है, तो वो बहुत मदद करता है लेन बदलने में, नहीं किया सोनेट में। तो सेफ्टी के मामले में यकीनन फेसलिफ्ट के पहले वाले मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। जिन तरह के बदलावों को आप एक फेसलिफ्ट मॉडल में देखने की उम्मीद करते हैं, ये तो कहना होगा कि किया ने नई सोनेट के साथ उससे कहीं ज्यादा कर दिया है। तो बात सिर्फ डिजाइन की नहीं है, आपको कैबिन में भी बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं और सेफ्टी फीचर्स के भी इस कार में भरमार है। अगर आप पहले से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि पुराने मॉडल के मुकाबले इस कार की कीमतों में करीब 20 से 25 हज़ार रुपये का इजाफा हो सकता है, जो इन सारे बदलावों को देखते हुए काफी जायज भी लगता है। क्या कहना है आपका नई सोनेट के बारे में? आपको ये कार कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए। ये जो एक्स लाइन है या जी टी लाइन है या फिर टेक लाइन है, मेरे साथ कौन सा मॉडल चुनेंगे हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे।